लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कल नाटकीय गिरफ्तारी के बाद खूंखार गैंगस्टर विकास दुबे को सड़क मार्ग से कानपुर लाया जा रहा था। कानपुर के रास्ते में ही कथित तौर पर भारी बारिश के कारण वह जिस कार में सवार था वह पलट गई, जिसके बाद गैंगस्टर ने घायल पुलिस कर्मियों में से एक पिस्तौल छीनकर भागने की कोशिश की। उसने पुलिस पर गोलियां चलाई और पुलिस की जवाबी कार्यवाही में उसे मार्च गिराया गया। गैंगस्टर विकास दुबे पिछले सप्ताह कानपुर में 8 पुलिस कर्मियों की हत्या का मुख्य आरोपी था। हत्याएं तब हुई जब पुलिस उसके घर पर छापे के लिए जा रही थी। 8 पुलिस वालों को शहीद करके गैंगस्टर घटनास्थल से भाग निकला। अपराधी के एनकाउंटर की खबर पर सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हालांकि कुछ लोगों ने पुलिस के इस कदम का समर्थन किया है, जबकि कुछ अन्य लोग इसे फर्जी मुठभेड़ बता रहे थे। इस बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने भी मुठभेड़ पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और इसकी तुलना बॉलीवुड फिल्मों की कहानी से की है। उन्होंने ट्वीट किया, वाह, हमें इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और फिर लोग कहते हैं कि हमारी बॉलीवुड की कहानियां वास्तविक नहीं होती हैं। नीचे देखें विकास दुबे एनकाउंटर पर तप्पन पन्नू का ट्वीट। अगर वर्क फ्रंट की बात करें तो तापसी पन्नू को आखिरी बार अनुभव सिन्हा की फिल्म थप्पड़ में देखा गया था। फिल्म को समीक्षकों से काफी प्रशंसा मिली थी और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। इसके बाद वह हसीन दिलरुबा, रश्मि रॉकेट, शाबाश मिठू और डेयर एंड लवली जैसी फिल्मों में भी एक ट्रेस नजर आने वाली हैं। तापसी ने बॉक्स ऑफिस पर एक शानदार साल बिताया है। मार्च 2019 से फरवरी 2020 तक उनकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर 352.13 करोड़ रुपए की कमाई की है। फिल्मों में मिशन मंगलवार, बिल्ला, सांड की आंख, गेम ओवर और थप्पड़ शामिल हैं।